नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की। इस दुनिया में ग्रो जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, अगर ये बंद हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे। इनका बंद होने का चांस तो बिल्कुल ही ना के बराबर है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनियां हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि अगर ये बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, किन किन बातों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे नोट करके चलना है। अगर कंपनियां बंद हो गई तो हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम सबके मन में यह थॉट आता है कि अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए महीना जमा करते हैं, जिसपे हमें 18% का इंटरेस्ट मिल जाता है, और इस प्रोसेस को अगर हम 30 साल तक करते हैं तो हमें जो है बदले में यहां पे 2,86,00,000 रुपए वापस मिलेंगे। और हमने म्यूचुअल फंड को दिया कितना, 2,000 रुपए महीना, टोटल 7,20,000 रुपए, मिला कितना, 2,86,00,000 रुपए। 10 से 15 सालों तक पैसा जमा करने के बाद अगर ये कंपनियां बंद हो गई तो हम क्या करेंगे, इसी वजह से कई सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट से दो कदम पीछे ही रहते हैं। सबसे पहले अपन पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। जब भी किसी ब्रोकर के जरिए स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी पर 2 से 3 दिन के अंदर एक पीडीएफ भेज दिया जाता है, जिसमें हमें म्यूचुअल फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट का फोलियो नंबर देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर अपना फोलियो नंबर नोटबुक में नोट कर लेना है, आपको अपना पैन नंबर भी यहाँ पर आपको नोट करके चलना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है और आपका फ़ोन नंबर है, ये आपके पास पूरी तरह से सुरक्षित और सिक्योर आपके पास होना चाहिए। आपको मेल आईडी का यहां पे और फोन नंबर का अपना ख्याल रखना है। तो बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 की। जब भी हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा पैसा ब्रोकर के पास तो बिल्कुल नहीं रहता है। भारत में दो बड़े डिपॉजिटरी आपको देखने को मिल जाते हैं, पहला है NSDL, दूसरा है CDSL। ये वही कंपनियां हैं जहां पे हमारे सारे स्टॉक्स और सिक्योरिटीज पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ रहते हैं। तो बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 की। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट बनाई गई है। जैसे कि पहली वेबसाइट का नाम है mycams.com। हम लोग किसी भी ब्रोकर में इन्वेस्ट करें, चाहे वो एंजल हो या अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, तो इन वेबसाइट में जा करके सेम पेन और सेम ईमेल आईडी देकर के हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो सारा जो इन्वेस्टमेंट है एक ही वेबसाइट में आपको ट्रैक करने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी वेबसाइट की बात करते हैं, तो उसका नाम है IND Money। आपने किसी भी ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट किया हो, लेकिन आपको एक ही वेबसाइट में सारा इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वह एक्सिस बैंक का हो या ICICI का हो या टाटा को हो, इन सभी म्यूचुअल फंड के अपने वेबसाइट और अपने ऐप्स होते हैं। तो अगर हमें किसी भी ब्रोकर के जरिए कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो डायरेक्ट हम लोग जो है इनकी वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं से जो हम अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ वगैरह भी कर सकते हैं, वहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो है फोन है वन प्लस का, ठीक है। मैंने इस फोन को अपने घर के बगल वाले दुकानदार से खरीदा है, ठीक है। इस फोन में अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कहां पे जाना है, दुकानदार के पास या सर्विस सेंटर के पास? ऑब्वियसली मुझे जाना है सर्विस सेंटर के पास, क्योंकि फोन जो है कंपनी ने बनाया है, वन प्लस ने बनाया है, तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी वन प्लस की है, ना कि दुकानदार की। दुकानदार तो बस एक जरिया है फोन बेचने का, तो वैसे ही जो है ब्रोकर बस एक जरिया है। इन्वेस्टमेंट जो हमारा NSDL और CDSL के पास बिल्कुल ही सेफ और सुरक्षित रहता है। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।